अभी मैं इंटर की पढ़ाई कर रहा हूँ एस एस उच्च विद्यालय खूंटी में। यहाँ की मूलभूत समस्या यही है कि यहाँ बिल्डिंग बहुत जर्जर स्थिति में है, बरसात के दिन में पानी चूता है, टॉयलेट बाथरूम नहीं है, पानी की समस्या है, यहाँ इंचार्ज नहीं रहते हैं। और दूसरा बिल्डिंग जो बन रहा है वो अभी अच्छा से बन के तैयार भी नहीं हुआ है, बहुत दिनों से बन रहा है, 2-3-4 साल जैसा हो गया, अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और बरसात के दिन में बच्चा लोग को बहुत समस्या उठाने पड़ता है, तो रहेंगे कहाँ। खिड़की दरवाजा टूटकर गिरने की स्थिति में है। छात्र अपनी सुरक्षा के लिए खिड़की को रस्सी से बांधकर तथा प्लास्टिक एवं बैनर कपड़ा का पर्दा लगाकर रहते हैं। छात्र जिस कमरे में रहते हैं उन दीवारों में पीपल की जड़ें निकल आई है। छत का प्लास्टर टूटकर गिर रहा है। यहाँ अगर बिजली कट जाती है तो हम लोग अपना लैंप लालटेन सुविधा करके पढ़ाई करना पड़ता है रात को। इस छात्रावास में जिले के सुदूर क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के 60 आदिवासी छात्र अपनी पढ़ाई के लिए रहते हैं। छात्रावास में सरकारी स्टाफ केवल रसोईया है। छात्र अपने घरों से जलावान से लेकर राशन तक लेकर आते हैं। सरकार की ओर से इन आदिवासी बालकों के कल्याण के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है, केवल नाम है आदिवासी बालक कल्याण छात्रावास। कोई सेना में जाना चाहते हैं तो कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई आईपीएस इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं। अगर यहाँ का समस्या हल हो जाएगा तो लगता है कि लड़का लोग यहाँ से बड़े बड़े अफसर बन सकते हैं। इस छात्रावास का मरम्मत कराने, आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने, निर्माणाधीन छात्रावास को यथाशीघ्र पूरा करने और भवन निर्माण में गुणवत्तापूर्ण सामानों एवं उपकरणों को लगवाने के लिए ध्यान आकृष्ट करने हेतु जिला कल्याण पदाधिकारी खूंटी, जिसका नाम है ललिता मिंज, मोबाइल नंबर 9431905568 पर कॉल करें, जिससे छात्रावास को घटिया सामानों एवं उपकरणों का शिकार होना ना पड़े, जो एक वर्ष में टूटकर एवं फटकर खत्म हो जाए और नतीजा छात्रों को भुगतना पड़े। मैं अमिता, झारखंड के खूंटी जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।